News 18, India. अब इसका धीरे धीरे असर होना शुरू हो चुका है, जिसका जिक्र मैं पहले भी कर रही थी कि उत्तराखंड तो एक ऐसा जगह है जहां पे प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में वो कौन कौन से राज्य हो सकते हैं, बयान कैसे सामने आ रहे हैं, ये मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको बताती हूँ। यूसीसी को लेकर उत्तर प्रदेश से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यूसीसी पर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने क्या कहा वो भी हम आपको बताएंगे। यूपी में भी सही समय पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा, ये संकेत भी दिया जा चुका है केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से। यानी क्या उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश वो दूसरा राज्य होगा जहां पे ये कदम उठाए जाने हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने क्या लिखा वो हम आपको बताते हैं। बीजेपी की वैचारिक मुद्दों में एक है यूसीसी, सही समय पर यूपी में भी आएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की बीजेपी सरकार ने धारा 370 विदा किया, श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का कार्य किया, उत्तराखंड में यूसीसी आ चुका है, यानी ये संकेत मिलने शुरू हो चुके हैं। और बहुत पहले से तकरीबन सालों साल से बीजेपी की तरफ से वक्त वक्त पे इस बात की चर्चा होती रही है यूसीसी को लेकर। यह अलग बात है कि अभी केंद्र सरकार के स्तर पे अभी कुछ भी नहीं कहा जा रहा है, अभी उत्तराखंड ही वो पहला राज्य बनने जा रहा है आजाद भारत में जो कि इस ओर पहल कर रहा है। लेकिन इस वक्त उत्तर प्रदेश जो कि देश का सबसे बड़ा सूबा है, वहां से भी संकेत मिलने शुरू हो चुके हैं, यानी आने वाले वक्त में यहां के लिए भी राहें तैयार हैं। और उधर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने बिल का स्वागत करते हुए कहा कि इससे समाज में समानता आएगी। हम उसका स्वागत करते हैं। जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान में व्यवस्था दिया है कि समान नागरिकता की बात है, तो फिर उसका विरोध क्यों, किस बात का विरोध हो रहा है? ये विरोध करने वाले लोग समाज में एकरूपता नहीं चाहते हैं, एक समान अधिकार सबको नहीं चाहते हैं, वो महिलाओं को विकास के मुख्य धारा में नहीं लाना चाहते हैं, इस नाते वो विरोध करते हैं। सर, समाज यूसीसी ऐसा मुद्दा है जो कि उत्तराखंड तक सीमित रह ही नहीं सकता, इसका असर देश के अलग अलग राज्य में होगा। महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने कहा कि इसे पूरे देश के साथ महाराष्ट्र में भी लागू होना चाहिए। उधर टीएमसी नेता स्वागत रॉय ने तो ये कह दिया कि इसे किसी भी कीमत पर बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। और इसके पीछे वजह क्या है आपको भी मालूम है कि दीदी किस तरीके की राजनीति करती है। तक मोदी जी के विचारों पे चलने वाली जितनी भी राज्य हैं, भाजप शासित जितने भी राज्य हैं, अगर उत्तराखंड में ये लागू हो रहा है तो हमारी अपेक्षा भी है कि आने वाले समय में ये देश में भी सेंटर में भी लागू हो। और महाराष्ट्र में जहाँ पर हमारे डिप्टी सीएम साहब देवेंद्र फडणवीस जी हैं, तो हमारी अपेक्षा है यही कानून हमारे महाराष्ट्र में भी लागू हो, सभी को इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति एक समान हो। अगर ये कायदा आता है तो मुझे लगता है हम सभी इसका स्वागत दिल खोल के करेंगे। और विरोधकों का काम है चिल्लाना, वो चिल्लाते रहेंगे। और मोदी जी और बीजेपी विधायक शिव अरोड़ा ने कहा कि बिल का पेश होना ऐतिहासिक क्षण है और इसके कानून बनते ही पूरे राज्य में एक कानून लागू होगा। देखिए हम सब उत्तराखंड के विधायकों के लिए ऐतिहासिक क्षण है, आनंद अभिभूत, समान नागरिक संहिता जो हमारी विचारधारा का विषय है, जो सभी नागरिकों को समान नागरिक अधिकार देता है, उसे बिल माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने आज विधानसभा के पटल पे रखा। लेकिन उस तबके को सुनना भी जरूरी है जिसने सालों साल इस पे या तो गुमराह हुआ है या गुमराह किया है। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने दावा किया है कि यूसीसी के लागू होने से सभी को कानून बराबर नहीं होगा, इससे कुछ समुदाय के लोगों को छूट मिलेगी। किसी भी कम्युनिटी को एग्जेम्प्ट करने को कहते हैं या एग्जेम्प्ट करते हैं तो फिर वो यूनिफॉर्म सिविल कोड कहाँ रह गया? और फिर ऑलरेडी मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 में हर शहरी को अपने मजहब पर अमल करने की पूरी आज़ादी दी है, और फिर रिलीजियस फ्रीडम अपने कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट हर सिटीज़न का है, तो उसको किस तरीके से ख़त्म किया जा सकता है? मुल्क में शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, और हमारे हिंदू भाइयों के लिए मैरिज एक्ट मौजूद है, और इसी तरीके से हिंदू सक्सेशन एक्ट मौजूद है, हिंदू मैरिज एक्ट मौजूद है, हिंदू अडॉप्शन एक्ट मौजूद है। इन तमाम कवानीन के होते हुए इस तरीके के यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत क्या पेश आ गई?
और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से महिलाओं को पुरुषों के बराबर हक मिल पाएगा। खासतौर पर मुस्लिम महिलाओं के हालात में सुधार होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद मुस्लिम समुदाय में महिलाओं पर लागू होने वाली हलाला और इद्दत की प्रथा पर रोक लग जाएगी। वहीं उत्तराखंड की करीब 14% आबादी मुस्लिम समुदाय की है और यूनिफॉर्म सिविल कोड से मुस्लिम महिलाओं को अपने माता पिता की जमीन जायदाद में हक भी मिल पाएगा और साथ ही उन्हें बच्चा गोद लेने का अधिकार भी मिल पाएगा।